कार्तिक कृष्ण की चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी को किए जाने वाला व्रत हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। सार सभी का एक होता है, पति की दीर्घायु। इस पर्व पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर चूड़ी पहनकर 16 श्रृंगार कर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ व्रत की पूजन और विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवइयां, पूड़ी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। यदि सास ना हो तो आप स्वयं भी अपने लिए कुछ खरीद के खा सकती हैं। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव, शिव और गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करें, पूरे दिन निर्जल रहें। चौथा, दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से माँ करवा चौथ का चित्र बनाएं। आप चाहे तो बाजार में मिल रहा माँ करवा चौथ का चित्र भी लगा सकते हैं। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी उड़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें, जल से भरा हुआ लोटा रखें। मिट्टी का टोंटीदार करवा लें, गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें, उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। रात्रि पूजा के समय छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। फिर पति के पैर को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें और फिर पति देव को प्रसाद देकर उनके हाथ से जल ग्रहण करें। अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं।